गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स मैंने स्मॉल एन फाइंड करना है ऑफ द एपी 9, 17, 25 द मस्ट बी टेकन गिव द सम। सम दिया है मीन्स एस एन। सबसे पहले फाइंड द स्मॉल ए। स्मॉल ए इक्वल टू 9 फर्स्ट टर्म। नाउ डिफरेंस डी a1 a2 a3 ले। a2 माइनस a1 17 माइनस 9 ले। d इक्वल टू 8 राइट। नाउ सम फाइंड द टर्म हाउ मेनी टर्म्स ले n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इन द सम ऑफ द टेकन सम ऑफ 636 ले sn इक्वल टू 636 राइट। वॉट इज n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636। नाउ n by 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a 9 प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 8 इक्वल टू 636। n by 2 इन ब्रैकेट 9 टू 18 प्लस 8 इन ब्रैकेट n माइनस 1 इक्वल टू 636। टू कॉमन राइट। नाउ n इंटू 2 डिवाइड बाय 2 9 प्लस 4 टू 8 n माइनस 1 इक्वल टू 636। टू टू कट n इन ब्रैकेट 9 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 636। n इन ब्रैकेट 9 माइनस 4 5 प्लस 4n इक्वल टू 636। नाउ 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। 4n स्क्वायर प्लस रीअरेंज द टर्म 5n स्क्वायर माइनस 636 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई इंटू 4 636 इंटू 4 नाउ 2544 के फैक्टर 5 आना जी। देखिए कि नाउ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। 2545 टू से के 1272 टू से 636 टू से 318 टू से 159 थ्री से 53 एंड नाउ 53 वन जा 53। टू टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 जा 48 48 एंड 53 माइनस 48 माइनस मिडल टर्म प्लस 5 एंड नाउ 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू ज़ीरो। 4n स्क्वायर प्लस 53 n इज कॉमन 4n प्लस 53 नाउ माइनस 12 इज कॉमन 4n माइनस माइनस प्लस 53 इक्वल टू 0। 4n प्लस 53 नाउ n माइनस 12 इक्वल टू 0। कंपेयर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इक्वल टू n इक्वल टू 12। 4n इक्वल टू माइनस 53 n इक्वल टू माइनस 53 डिवाइड बाय 4 के स्मॉल n कैन नॉट बी नेगेटिव। नाउ व्हाट हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अब सम इज अ 636 इज अ 12 टर्म ऑफ सम इज अ 636 इज इट क्लियर। नंबर 4 नाउ नंबर नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 5। स्मॉल एंड नॉट पॉसिबल माइनस इसलिए कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी स्मॉल एरिया है स्मॉल ए इक्वल टू 5। द लास्ट टर्म ले स्मॉल एल इक्वल टू 45।
एंड द सम लेस एन दिया एस एन इक्वल टू 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ले स्मॉल एन फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क एंड द कॉमन डिफरेंस डी फाइंड डी इज अ क्वेश्चन मार्क राइट। याद करो एस एन का दूसरी फॉर्मूला क्या है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल ठीक है डिफरेंस। नाउ एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल ए प्लस एल एस एन इक्वल टू 400 इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट स्मॉल ए 5 प्लस एल इक्वल टू 45 400 इंटू 2 डिवाइड्स इक्वल टू एन इन ब्रैकेट 50। तो नाउ 400 इंटू 2 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू स्मॉल एन कट 8 5 जा तो नाउ स्मॉल एन इक्वल टू 16 स्मॉल एन इक्वल टू 16 1 6 क्लियर। अब क्या करना है हमको डिफरेंस फाइंड करना है जिसमें पुट कर दो ए एन ए हमारे पास तो स्मॉल एल इक्वल टू एन इक्वल टू 45 एन 16 है तो ए 16 इक्वल टू 45 ए प्लस 15 डी इक्वल टू 45 तो स्मॉल ए इक्वल टू 5 स्मॉल ए हमारे पास है स्मॉल ए इक्वल टू 5 है फर्स्ट टर्म 5 प्लस 15 डी इक्वल टू 45 प्लस 5 तो सेकंड माइनस 15 डी इक्वल टू 45 माइनस 5 तो 15 डी इक्वल टू 40 तो नाउ डी इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 8 5 जा और नाउ 5 3 जा 5 5 कट लेट डी इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 3 इज इट क्लियर डी इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 3 फिफ्थ नंबर क्लियर हो गया। देखो स्टेप बाय स्टेप हो गया फिफ्थ नंबर क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट नंबर इज सिक्स नंबर द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी फर्स्ट टर्म दे ले स्मॉल ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज अ 17 नाउ लास्ट टर्म एल इक्वल टू ए एन इक्वल टू 350 राइट एंड द कॉमन डिफरेंस डी दिया है डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 9 फाइंड करना हाउ मेनी टर्म्स एन फाइंड करना एन इज अ क्वेश्चन मार्क हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम व्हाट इज देयर सम मींस एस एन फाइंड करना राइट एस एन इज अ क्वेश्चन मार्क क्लियर। अब ए एन इक्वल टू 350 ए एन इक्वल टू 350 तो नाउ ए एन इक्वल टू 350 तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350 स्मॉल ए इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 9 350 17 प्लस 9n माइनस 9 इक्वल टू 350 17 माइनस 9 8 प्लस 9 इक्वल टू 350 9 इक्वल टू 350 माइनस 8 तो 9 इक्वल टू 340 नाउ 340 डिवाइड बाय 9 9 3 जा 27 11 7 जा 4 2 से 0 2 ठीक है 11 है बेटा सॉरी 10 है 10 प्लस 14 ले 7 आएगा 72 9 8 जा 72 0 0 स्मॉल n इक्वल टू 38 स्मॉल n मिल गया आपको हो गया क्लियर। अब क्या एस एन एस 38 इक्वल टू 38 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए 17 प्लस 38 माइनस 1 ले 37 डी इक्वल टू 9 19 34 37
इंटू नाइन, नाइन सेवन जा 63, थ्री सिक्स नाइन थ्री जा 27, 27 थ्री थ्री थ्री, थ्री 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 एडिशन 19 इंटू 333 प्लस 34 7 6 3 6 3 3 3 6 7 मल्टीप्लाई 19 इंटू 3 6 7 एस 38 इक्वल टू 19 इंटू 3 6 7 चलो मल्टीप्लाई करो बच्चों क्या आएगा 19 इंटू 3 6 7 6 9 73 एस 38 एस 38 इक्वल टू क्लियर हो गया देख लो स्टेप बाय स्टेप हो गया क्लियर अब नाउ नंबर 7 नंबर 7 फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म फर्स्ट 22 टर्म है एपी इन विच द डी डी इक्वल टू 7 दिया आपको डी इक्वल टू 7 एंड द 20 टर्म ए 22 दिया है 22 टर्म ऑफ 49 149 और फाइंड क्या करना है आपको फाइंड द सम ऑफ S22 फाइंड करना है हमको S22 इज अ क्वेश्चन मार्क राइट देखो आपके पास A22 इक्वल टू 149 है तो इजी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए प्लस एन माइनस वन लाइक 22 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 149 ए प्लस 21 इंटू डी इक्वल टू 7 इक्वल टू 149 21 इंटू 7 7 147 स्मॉल ए प्लस 147 इक्वल टू 149 147 तो के माइनस स्मॉल ए इक्वल टू 2 स्मॉल ए इक्वल टू 2 अब S22 इक्वल 22 डिवाइड बाय 2 2 इंटू ए 2 प्लस 21 इंटू डी 7 11 2 टू 4 147 11 151 मल्टीप्लाई S22 11 इंटू 151 मल्टीप्लीकेशन तो क्या है 1661 हो गया क्लियर 7 नंबर देखो क्वेश्चन रीड करो और स्टेप बाय स्टेप जाओ एकदम इजी है हो गया क्लियर 7 अब नाउ नेक्स्ट नंबर इज 8 नंबर 8 देखो नंबर 8 क्या है नंबर 8 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म फाइंड द sum of first 51 term of AP sum 51 term of AP whose second and third term is second term दिया है is a number 8 second ले A2 equal to 14 देखो second and third term ले A3 equal to 18 right अब फाइंड क्या करना है सम S51 फाइंड करना है ये हमको फाइंड करना है S51 तो कैसे फाइंड ये तो एकदम इजी है बड़ा पहले आ गया है कि A2 इक्वल टू तो A2 क्या आएगा A प्लस 2 माइनस 1 A प्लस D इक्वल टू 14 इज इक्वेशन 1 A प्लस 2D इक्वल टू 18 इज इक्वेशन 2 सॉल्व कर दो A प्लस D इक्वल टू 14 ए प्लस 2D इक्वल टू 18 एलिमिनेशन मेथड से कट माइनस डी माइनस 4 डी इक्वल टू 4 डी इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 में पुट कर दो पुट द वैल्यू ऑफ
equation 1. Small a plus d equal to 14. Small a plus d 4 equal to 14. तो a equal to 10. हो गया a equal to 10. अब s 51 find करना है. s 51 equal to 51 divided by 2 in bracket 2 into a. 2 into a 10 plus 51 एले 50, 50 minus 1 into d. d equal to 4. 51 divided by 2 in bracket 20, 5 4 is 20, 200. 51 divided by 2, 220, 110. 51 into 110 मल्टीप्लाई करो बच्चों क्या आएगा s 51 इक्वल टू फाइनल आंसर हो गया. फाइव सिक्स वन जीरो मल्टीप्लाई हो गया नंबर एट. अब नाउ नेक्स्ट नंबर इज नंबर नाइन. देखो क्वेश्चन नंबर नाइन स्टेप बाय स्टेप. क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म सम एले एस सेवन सम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू 49 49 सेकंड क्या दिया आपको दैट ऑफ द 17 टर्म दैट ऑफ 17 टर्म इज एस 17 इक्वल टू 289. Find the sum of Sn. ये हमको पढ़ना है मीन्स एस एन फाइंड द एन टर्म मीन्स एस एन फाइंड करना है राइट. तो एस सेवन इक्वल टू 49 एस सेवन इक्वल टू 49 एंड एस 17 इक्वल टू 289. एट नंबर में क्या था बेटा ए टू और ए थ्री दिया था तो दो एन टर्म है यहाँ पे क्या है सम वाली फॉर्मूला यूज करना है Sn. एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी राइट. तो यहाँ पे क्या है सेवन डिवाइड बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस सेवन माइनस वन ले सिक्स डी इक्वल टू 49. दोनों में से टू कॉमन सेवन इंटू टू डिवाइड बाई टू ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 49. टू टू कट सेवन ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 49 मल्टीपल देन डिवाइड्स ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 49 डिवाइड बाय सेवन 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 सा 49 ए प्लस थ्री डी इक्वल टू सेवन इक्वेशन वन हो गया क्लियर. इक्वेशन वन अब 17 है तो 17 डिवाइड बाय टू इन ब्रैकेट 2a plus 17 minus 1 16d equal to 289. 2 common 17 into 2 divided by 2 in bracket a plus 8d equal to 289. 2 cut 17 in bracket a plus 8d 289. 17 multiply that then divides a plus 8d equal to 289 divided by 17. 17 का square है 289. 17 17 cut a plus 8d equal to 17. Equation number 2. Equation 2. Right? अब equation 1 and 2 है. तो elimination method solve a plus 3d equal to 7 and now a plus 8d equal to 17. माइनस 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 कट ए माइनस माइनस फाइव डी माइनस टेन फाइव डी इक्वल टू टेन तो डी इक्वल टू टेन डिवाइड डी इक्वल टू टू के पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन ए प्लस थ्री डी इक्वल टू सेवन a plus 3 into 2 equal to 7 a plus 6 equal to 7 तो a equal to
सेवन माइनस सिक्स थ्री इक्वल टू वन। अब देखो स्मॉल ए और स्मॉल टू मिल गए, स्मॉल ए वन एंड डिफरेंस डी इक्वल टू। फाइंड क्या करना है आपको, देखो एस एन, एस एन इक्वल टू एन बाय टू, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, एन बाई टू इन ब्रैकेट टू इन टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू टू, एन बाई टू इन ब्रैकेट टू वन सा टू, टू इन ब्रैकेट एन माइनस वन, टू टू कॉमन, एन इंटू टू डिवाइड बाई टू इन ब्रैकेट वन प्लस एन माइनस वन प्लस माइनस कट टू टू कट एन इन ब्रैकेट ओनली एन नाउ एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर। इज इट क्लियर? एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप देख लो हो जाए क्लियर। नाउ नेक्स्ट नंबर इज टेन नंबर। टेन नंबर थोड़ा डिफरेंट है कि सो दैट ए वन ए टू अप टू ए एन फ्रॉम ए पी वेयर ए एन इज अ डिफाइंड एस बिलो। नंबर वन ए एन इक्वल टू थ्री प्लस फोर एन, राइट। एंड नाउ नंबर टू ए एन इक्वल टू नाइन माइनस फाइव एन। तो ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ, सम ऑफ एस फिफ्टी वन हमको फाइंड करना है, एस फिफ्टी वन टर्म ऑफ इन ईच केस, राइट। देखो बच्चों ए एन दिया है आपको एन टर्म में, तो एन की जगह वन रख दो तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, एन इक्वल टू टू रख दो सेकंड टर्म मिलेगा, ठीक, एन इक्वल टू थ्री रख दो थर्ड टर्म मिलेगा। तो ना वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं, ए एन है, ए एन सबसे पहले ए एन मिल जाए तुम्हारा काम सबसे ईजी रहेगा। तो ए एन एन इक्वल टू वन, ए वन इक्वल टू थ्री प्लस फोर इंटू वन, लेके आएगा थ्री प्लस फोर, स्मॉल ए इक्वल टू ए वन इक्वल टू सेवन। चलो फर्स्ट टर्म तो मिल गया। अब नाउ एन इक्वल टू टू, तो ए टू इक्वल टू थ्री प्लस फोर इंटू टू, थ्री प्लस फोर टू जा एट, ले ए टू इक्वल टू इलेवन, सेकेंड टर्म मिल गया, राइट। अब डिफरेंस फर्स्ट टर्म मिल गया, तो डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, इलेवन माइनस सेवन, तो डी इक्वल टू फोर हो गया, क्लियर। डी इक्वल टू फोर। अब फाइंड क्या करना है, एस फिफ्टी वन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एस फिफ्टी वन, राइट। एस फिफ्टी वन, एस फिफ्टी वन इक्वल टू, सॉरी 51 नहीं बेटा 15 है, 15 वन फाइव है, हाँ वन फाइव, एस 15 फाइंड करना है आपको। एस 15 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई टू एन बाई टू इन ब्रैकेट टू इंटू ए, टू इंटू ए ले सेवन, 15 माइनस वन ले 14, डी इक्वल टू फोर, 15 डिवाइड बाई टू सेवन टू जा 14, 14 फोर जा 56, 15 डिवाइड बाई टू 56 प्लस 14, 56 प्लस 14 70, कट कर दो बेटा 35, तो 15 इंटू 35 एस 15 इक्वल टू 15 इंटू 35 दोनों का मल्टीप्लाई 35 इंटू 15 क्या आएगा 525 एस 15। क्लियर हो गया, क्लियर। अब नंबर टू, टेन का नंबर टू कि ए एन इक्वल टू नाइन माइनस फाइव एन, फाइव एन, तो एन इक्वल टू वन, तो ए वन इक्वल टू नाइन माइनस फाइव इंटू वन, तो नाइन माइनस फाइव ए इक्वल टू ए वन इक्वल टू फोर। फर्स्ट मिल गया फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म हो गया स्मॉल a इक्वल टू ए वन इक्वल टू फोर। अब n इक्वल टू टू तो क्या आएगा ए टू इक्वल टू नाइन माइनस फाइव इंटू टू, तो नाइन माइनस फाइव टू जार टेन, ए टू इक्वल टू माइनस वन, ए टू इक्वल टू माइनस वन राइट। स्मॉल a फोर ए टू इक्वल टू माइनस वन, तब डिफरेंस d इक्वल टू क्या आएगा ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है माइनस वन माइनस फोर, डी इक्वल टू क्या होगा माइनस फाइव। अब फॉर्मूला s15 डिवाइड बाय टू, टू इंटू ए फोर प्लस फिफ्टीन माइनस वन, फिफ्टीन में फोर्टीन इंटू डी इक्वल टू फाइव, फिफ्टीन डिवाइड बाय टू, टू फोर जा एट, फिफ्टीन फोर फोर्टीन फोर जा फोर्टीन फाइव जा सेवन डी, ठीक है। तो 15 डिवाइड बाय 2 माइनस करो तो बेटा क्या आएगा माइनस 62, माइनस 62 तो 31 प्लस माइनस आंसर माइनस में आएगा 31 इंटू 15 0 1 3 5 5 3 जा 15 5 6 4 नाउ 4 6 5 आंसर s15 इक्वल टू, हो गया क्लियर। एन मिल जाए तुम्हारा काम सबसे इजी है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एन टर्म मिल जाए तो एकदम इजी, क्लियर हो गया क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट नंबर इज 11, देखो 11 नंबर डिफरेंट है, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। 11 नंबर गिव द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मीन्स एस एन दिया है, क्या दिया है 11 नंबर में आपको एस एन, एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एस वन, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली सारे फाइंड करना है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म 10 टर्म इन द 9 टर्म, ये फाइंड करना है राइट। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म एस एन है, तो देखो बेटा इसकी फॉर्मूला है एन टर्म एन इक्वल टू एस एन माइनस वन, ये याद रखना है बेटा। एन मिल जाए तुम्हारा का एकदम इजी रहेगा, हो गया क्लियर। हमारे पास एस एन तो बेटा एस एन माइनस वन नहीं है, तो अगर एन की जगह एस एन माइनस वन रख दो, एस एन माइनस वन इक्वल टू फोर इन ब्रैकेट एन माइनस वन माइनस इन ब्रैकेट एन माइनस वन होल स्क्वायर, एन माइनस वन होल स्क्वायर तो इक्वल टू फोर एन माइनस फोर माइनस इन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन इक्वल टू फोर एन माइनस फोर माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू एन माइनस प्लस माइनस वन, देखो इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस टू एन प्लस सिक्स एन माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव एस एन माइनस वन, हो गया क्लियर। अब पुट कर दो कि ए एन इक्वल टू एस एन माइनस वन, एस एन क्या हमारे पास फोर एन माइनस एन स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट माइनस एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन माइनस फाइव इक्वल टू फोर एन माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सिक्स एन माइनस माइनस प्लस फाइव एन स्क्वायर कट फोर एन माइनस सिक्स एन इक्वल टू क्या है फाइव माइनस सिक्स एन, एन टर्म आपको मिल गया एन टर्म इक्वल टू फाइव माइनस सिक्स एन, क्लियर। एन टर्म फाइव माइनस सिक्स एन, एन टर्म हो गया आपका
n term equal to 4n plus 2n तो 6n, 5 minus 6n, सॉरी देखो 4n है, हाँ माइनस 6n है, तो 4 माइनस 6n कितना रहेगा देखो बेटा, ये है ना n स्क्वायर कट, तो क्या होगा an इक्वल टू 5 और 4n माइनस 6n तो क्या है माइनस 2n आएगा। चलो an मिल गया, हो गया n, n इक्वल टू 1 रख दो, n इक्वल टू 1 तो a1 इक्वल टू s1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5 माइनस 2 इंटू 1 એટલે કેટલા 5 માઇનસ 2 વન ઝા 2 એટલે કેટલા હોગા 3 એટલે ફર્સ્ટ ટર્મ મિલ ગયા આપકો a1 ઇક્વલ ટુ 3 n ઇક્વલ ટુ 2 રખ દો તો a2 ઇક્વલ ટુ 5 માઇનસ ઇસકે અંદર 5 માઇનસ 2 ઇન્ટુ 2 એટલે 5 માઇનસ 4 એટલે s a2 ઇક્વલ ટુ 1 હો ગયા ક્લિયર અબ કે આપ ફાઇન્ડ કરના આપકો ધ સમ ઓફ ફર્સ્ટ ટુ ટર્મ સમ ઓફ ફર્સ્ટ ટુ ટર્મ એટલે ઈ મીન્સ a1 प्लस a2 कितना आएगा a1 प्लस a2 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 मिल गया, क्लियर हो गया। देखो वन बाय वन क्या क्या देखो, फर्स्ट टर्म आपको मिल गया, फर्स्ट टर्म हो गया a1, फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू 3, सेकंड टर्म a2 इक्वल टू 1, n टर्म मिल गया, n टर्म an इक्वल टू 5 माइनस 2n, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म 3 प्लस 1 4 टर्म 4 हो गया। अब क्या सेकंड टर्म आ गया, थर्ड टर्म फाइंड करना था a3, ए थ्री इक्वल टू पर साइड ले एन इक्वल टू क्या है हमारे पास 5 माइनस 2n इसके अंदर पुट कर दो a3 5 माइनस 2 इंटू 3 5 माइनस 6 इले a3 इक्वल टू माइनस 1, थर्ड टर्म भी मिल गया a3, थर्ड टर्म भी हो गया a3 इक्वल टू माइनस 1 हो गया थर्ड टर्म। अब क्या फाइंड करना आपको, 10 टर्म ले a10 इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 10, 5 माइनस 10 टू 20 a10 इक्वल टू माइनस 15 हो गया, a10 इक्वल टू माइनस 15 क्लियर हो गया, क्लियर a10 इक्वल टू माइनस 15 n टर्म भी फाइंड हो गया, सारे फाइंड हो गए, क्लियर हो गया 11 नंबर। अब नाउ नंबर 12th, नंबर 12th जो क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, n इक्वल टू आपको दिया है 40, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, 6 का टेबल 6, 12, 18 अप टू 240, लास्ट वन इज अ 240, तो आपके पास स्मॉल ए, स्मॉल ए मिल गया आपको, स्मॉल ए, स्मॉल ए इक्वल टू 6 और डिफरेंस डी इक्वल टू 12 माइनस 6 डी इक्वल टू 6, नाउ लास्ट टर्म स्मॉल एल, एल इक्वल टू एन इक्वल टू 240, फाइंड क्या करना है आपको द सम लेस 40, एन भी हमारे पास, एन भी मिल गया आपको 40, एस 40 इक्वल टू एन बाय 2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल यूज़ कर दो, क्यों लास्ट टर्म दिया है आपके पास स्मॉल ए, एकदम ईजी रहेगा, तो एस 40 इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 2 इन स्मॉल ए 6 प्लस 240, तो नाउ 20 टू ज़ा 40, 246 दोनों का मल्टीप्लाई, 246 into 2 कर दो, फिर बाद में इंटू 10 से मल्टीप्लाई, 12 1 4 2 9 492 into 10 4920 s 40 equal to, हो गया क्लियर।